अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले जनप्रतिनिधियों को मुंह चिढ़ाती एक ग्राम पंचायत है, जहां आने जाने के लिए सड़कें नहीं है। जो सड़क भी है तो इतनी बदहाल है कि फोर व्हीलर वाहनों के चैम्बर जमीन से टकरा जाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा सरपंच, सचिव और विधायक से नहीं कही, लेकिन फरियाद लगाने के बाद भी ग्रामीणों की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल मामला चुरहटा थाना क्षेत्र के छोटी रौसर गुलाबी मोहल्ले का है। इस मोहल्ले का नाम तो गुलाबी है, लेकिन हाल बदहाल है। आइए दिखाते हैं सड़क की दुर्दशा और सुनाते हैं स्थानीय निवासियों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए क्या आरोप लगाए हैं। किस तरह की रास्ते में समस्या आ रही है आपको? रास्ते में तो अब ये 2500-2400 साल से पड़ा है रास्ता, लेकिन बन गया है। बरसात में तो भीषण दिक्कत थी, वहाँ सरपंच के द्वारा भी आवेदन किए, बताए, कलेक्ट्रेट में भी किए, कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी बात, वहाँ रेलवे के आगे से पूरी रास्ता ख़राब है कि मतलब अब सूखे में भी गाड़ी नहीं निकलती, फंस जाती है या चैम्बर लड़ जाता है। पैदल में भी गड्ढा गुड्ढी है, मोटरसाइकिल नहीं निकलती है। यही समस्या है। बोलते हैं कि कल बनवाएंगे, परसों बनवाएंगे, बोले बरसात ख़त्म हो जाए तब डलवाएंगे। आप लोगों ने जनप्रतिनिधि या प्रशासन से कुछ मांग की? प्रशासन से भी मांग की आपने, विधायक जी राजेंद्र शुक्ला जी को आए थे, उनको भी दिखाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कौन सा रास्ता है, क्या कहते हैं, कौन सा मोहल्ला कहते हैं इसको? ये छोटी रौसर गुलाबी टोला, थाना चुरहटा लगता होगा। थाना चुरहटा लगता है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।